रहमतुल्लाहि व बरकातुहु माय डियर स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं कि हम प्रीवियस लेक्चर में डेफिनेशंस में से हमने जो डेफिनेशन डिस्कस की थी, दैट इज़ टैक्स पेयर, डेफिनेशन नंबर 13 हम लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। आज का जो लेक्चर है वो भी इसी डेफिनेशन को आगे लेकर हम चलेंगे, ताकि आपको बेनिफिट ये हो सके कि आप एक ही डेफिनेशन आपने याद की और इसका यूजेज जो है वो किसी और क्वेश्चन में भी हो। तो इस डेफिनेशन का इस्तेमाल जो है वो एक और क्वेश्चन है, लॉन्ग क्वेश्चन है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सब्जेक्ट पॉइंट ऑफ व्यू से भी, पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से भी। इस बार जो रिसेंट पेपर अभी बिजनेस टैक्सेशन का हुआ है 2020 में, उसमें ये क्वेश्चन पेपर में आया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 13 हम करने जा रहे हैं, लॉन्ग क्वेश्चन है, 20 मार्क्स का, बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। इससे पहले हम तीन लॉन्ग क्वेश्चन कर चुके हैं ऑलरेडी, मैंने ग्रीन में इनको देखें मार्क किया हुआ है। व्हाई इट इज़ नेसेसरी टू डिफरेंशिएट बिटवीन कैपिटल एंड रेवेन्यू, 5 टेस्ट टू डिफरेंशिएट बिटवीन कैपिटल एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स, एंड 6 टेस्ट टू डिफरेंशिएट बिटवीन कैपिटल एंड रेवेन्यू रिसीट्स। इसके अलावा व्हाट इज़ एग्रीकल्चर इनकम, इट्स टाइप्स, इधर इट इज़ टैक्सेबल इन पाकिस्तान और नॉट, और फोर्थ क्वेश्चन जो है वो रेजिडेंशियल स्टेटस के बारे में था, जो कि डेफिनेशन से ही रिलेटेड था। तो आज हम फोर्थ जो है वो लॉन्ग क्वेश्चन करने जा रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 13 है जी, इसको भी मैं ग्रीन में मार्क कर दूंगा आज इस क्वेश्चन को कंप्लीट करने के बाद। क्वेश्चन क्या है जी, डिस्कस द लीगल प्रोविजंस गवर्निंग द फाइलिंग ऑफ रिटर्न ऑफ टोटल इनकम अंडर इनकम टैक्स लॉ। लीगल प्रोविजंस, कानूनी शरायत को डिस्कस करें, किस हवाले से, गवर्निंग द फाइलिंग ऑफ रिटर्न ऑफ टोटल इनकम, रिटर्न ऑफ टोटल इनकम को फाइल करने के हवाले से जो भी कानूनी लवाजमात हैं उनके बारे में बताएं। तो सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि रिटर्न ऑफ टोटल इनकम किसको कहते हैं, और फिर इसकी फाइलिंग के हवाले से जो लीगल प्रोविजंस हैं हम उनको फिर डिस्कस करेंगे। तो आपकी जो बुक्स हैं इसमें पेज नंबर 266 है जी, पेज नंबर 266, उसका जो टॉपिक चैप्टर नंबर 10 है जी। चैप्टर नंबर 10 में आप देख रहे हैं जी, मैंने ये मार लाइन लगाई हुई है, देखिए ये हमसे रिलेटेड नहीं है, इसे आपने नहीं करना। आगे चले जाते हैं जी, तो ये यहाँ से ये क्वेश्चन शुरू हो रहा है जी, लीगल प्रोविजंस रिगार्डिंग फर्निशिंग ऑफ रिटर्न ऑफ इनकम, कानूनी लवाजमात रिगार्डिंग फर्निशिंग ऑफ रिटर्न ऑफ इनकम। आपकी बुक में पेज नंबर 266 से ये चैप्टर स्टार्ट हो रहा है। अब लीगल प्रोविजंस डिस्कस करने से पहले ये जानना बड़ा ज़रूरी है कि रिटर्न ऑफ इनकम, जिसकी लीगल प्रोविजंस हमने पढ़नी है, जिसकी कानूनी शरायत हमने पढ़नी है, उस रिटर्न ऑफ इनकम का मतलब क्या है। तो जैसे पहले भी मैं बता चुका हूँ कि रिटर्न ऑफ इनकम का मतलब इनकम की वापसी नहीं है, रिटर्न का मतलब होता है तफसीलात जो कि आप टैक्स डिपार्टमेंट को एट द ईयर एंड प्रोवाइड करते हैं, जो वो आपसे रिक्वायर करता है, हर पर्सन से रिक्वायर करता है। हर पर्सन का मतलब, पर्सन की डेफिनेशन आपने पढ़ी है, पर्सन में इंडिविजुअल भी है, कंपनी भी है, एसोसिएशन भी है, इसी तरह फॉरेन गवर्नमेंट, फेडरल गवर्नमेंट, पॉलिटिकल सब डिवीजन ऑफ फॉरेन गवर्नमेंट भी शामिल है। तो रिटर्न ऑफ इनकम के हवाले से, फर्निशिंग कहते हैं बनाना, रिटर्न ऑफ इनकम बनाने के हवाले से और जमा करवाने के हवाले से जो कानूनी लवाजमात हैं उनको डिस्कस करना है। तो सबसे पहले हम डेफिनेशन ऑफ रिटर्न ऑफ इनकम डिस्कस करते हैं, ये है डेफिनेशन ऑफ टोटल इनकम या डेफिनेशन ऑफ रिटर्न ऑफ इनकम। एट द एंड ऑफ द एवरी टैक्स ईयर इट इज़ नेसेसरी फॉर सर्टेन पर्सन्स टू इन्फॉर्म द इनकम टैक्स अथॉरिटीज़। साल के एंड पर ये ज़रूरी है सर्टन पर्सन्स के लिए, ख़ास पर्सन्स के लिए, अब तो बल्कि हर पर्सन के लिए ज़रूरी है, चाहे वो इंडिविजुअल है, चाहे वो कंपनी है, चाहे वो एसोसिएशन है, कि वो इन्फॉर्म करे, बताए इनकम टैक्स अथॉरिटीज़ को, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को, अबाउट द टोटल इनकम दे हैव अर्न ड्यूरिंग द ईयर, कि उन्होंने कितनी आमदनी कमाई है इस साल के दौरान। तो हर साल के एंड पर सर्टन पर्सन्स के लिए ज़रूरी है कि वो अपनी आमदनियों के बारे में टैक्स डिपार्टमेंट को बताएँ, टैक्स अथॉरिटीज़ को बताएँ। दे आर आल्सो रिक्वायर्ड टू शो द इनकम्स अर्न बट विच आर एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स। मतलब कहने का ये है कि हर पर्सन के लिए लाजमी है कि वो अपनी आमदनी की तफसीलात टैक्स डिपार्टमेंट को मुहैया करे, बेशक उसको ये पता हो, विच आर एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स, कि उसकी कुछ आमदनियाँ टैक्स से एग्जेम्प्ट हैं, फिर भी उसने आमदनियों की तफसीलात जो है वो टैक्स डिपार्टमेंट को मुहैया करनी है। देखिए, आमदनी की तफसीलात मुहैया करने का हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि आपने टैक्स भी देना है। टैक्स तो एक
टैक्स रेट्स के मुताबिक जो टैक्स का स्लैब्स होंगी कि अगर आपकी इनकम उस हद से ज़्यादा होगी जिस हद के ऊपर जाने से आपकी इनकम टैक्स एबल हो जाती है, टैक्स के काबिल हो जाती है, उस हद से ऊपर इनकम जाएगी तो टैक्स लगेगा, लेकिन रिटर्न ऑफ इनकम आपको बनाकर फिर भी देनी है, बेशक कोई रेडी वाला ही क्यों नहीं है, बेशक कोई सैलरीड पर्सन है उसके महीने की 10,000 सैलरी क्यों नहीं है, बेशक कोई बिजनेसमैन है वो महीने का 25,000 ही क्यों नहीं कमा रहा, साल का 3,00,000 ही क्यों नहीं कमा रहा। हर किसी के लिए लाजमी अब हो चुका है कि वो अपनी आमदनी की तफसीलात रिटर्न ऑफ इनकम जमा करवाएं। फॉर एग्जांपल पाकिस्तान में एग्रीकल्चर इनकम फुली एग्जेम्प्ट है, माफ़ है टैक्स, लेकिन फिर भी एग्रीकल्चरिस्ट जो है, जो किसान है, उसके लिए भी लाजमी है कि वो बताए कि उसकी एग्रीकल्चर इनकम है कितनी, बताना ज़रूरी है। तो रिटर्न ऑफ इनकम आमदनी की तफसीलात मुहैया करने को हम कहते हैं फर्निशिंग ऑफ इनकम। अब होता क्या है, क्योंकि आमदनी की तफसीलात जमा करवानी है तो कैसे जमा करवानी है, आमदनियों की तफसीलात जमा करवाने के लिए फिर ये क्या होगा कि हर कोई अपने अपने हिसाब से एक सादे पेज पर आमदनी की तफसीलात जमा करवाएगा, नहीं, ऑल दीज डिटेल्स आर टू बी प्रोवाइडेड इन अ प्रिस्क्राइब फॉर्म, एक छपा हुआ प्रिंटेड फॉर्मेटेड फॉर्म होगा, प्रिस्क्राइब फॉर्म कहते हैं जिसमें आपकी मर्ज़ी नहीं चलेगी, एक तरतीब दा फॉर्म होगा, जैसे आप कॉलेज में एडमिशन लेते हैं तो एक फॉर्म आपको मिलता है ना, वो ऑलरेडी प्रिंटेड होता है, ऑर्गेनाइज्ड होता है, उसमें ब्लॉक्स होते हैं, इन्फॉर्मेशन मांगी जाती है, उन इन्फॉर्मेशन जो मांगी जाती है उनको आप रिलेटिवली जो है वो फिल करते जाते हैं। इसी तरह टैक्स डिपार्टमेंट भी फॉर्म देगा, उस फॉर्म पर आपने सारे डिटेल मुहैया करनी है। दिस फॉर्म टेक्निकली इज़ नोन एज रिटर्न ऑफ इनकम और सिंपली आ रिटर्न, उस फॉर्म को जिस फॉर्म में आप आमदनी की तफसीलात मुहैया करते हैं उस फॉर्म को रिटर्न ऑफ इनकम कहते हैं और सिंपली उसे रिटर्न कहा जाता है। तो अगर आप टैक्स पढ़ रहे हैं तो इनकम टैक्स लॉ पढ़ रहे हैं, उसमें रिटर्न का जो लफ्ज़ होगा उसका मतलब क्या होगा, तफसीलात, आमदनी की तफसीलात, या उसके लिए क्या लफ्ज़ बोला जाता है, रिटर्न ऑफ इनकम। तो रिटर्न ऑफ इनकम की डेफिनेशन यहाँ पर क्लियर हो गई। अब हमने पढ़नी है जी लीगल प्रोविजंस रिगार्डिंग फर्निशिंग ऑफ रिटर्न ऑफ इनकम, कि इस रिटर्न ऑफ इनकम के हवाले से कानूनी लवाजमात कौन से हैं, कानूनी शराइत कौन कौन से हैं। हमने लीगल प्रोविजंस डिस्कस करनी है, लेट्स मूव। देखें जी टोटल 15 लीगल प्रोविजंस हैं, पेज नंबर 267 से लेकर पेज नंबर 274 तक टोटल 15 लीगल प्रोविजंस हैं। मैंने नंबर दिया हुआ इनको, आप भी अपनी बुक्स पर नंबर दे लें। अब ये लेंथी लग तो रही है लेकिन मैं थोड़ी शॉर्ट शॉर्ट आपको करवाऊंगा क्योंकि ये टेक्स्ट बुक है, जाहिर सी बात है हर चीज़ जो यहाँ पर गिवन है वो तो नहीं की जा सकती। फर्स्ट लीगल, देखें ये आपने काट देना है, बेशक आप बेफिक्र होकर ये लाइन्स अपनी जो है वो परमानेंट पेंसिल से लगा लें, बॉल पॉइंट से लगा लें, क्योंकि ये बुक आपके बाद इंशाल्लाह ताला किसी के काम नहीं आनी, वजह ये है टैक्स की बुक हर साल चेंज हो जाती है, तो आप बेफिक्र होकर इंशाल्लाह ताला इसको लाइन लगा लें, काट दें, ताकि ये ना हो कि आप लेड पेंसिल से लगाएं और फिर वो कुछ दिन के बाद वो मिट जाए निशान, फिर कंफ्यूज़ हो भाई कि ये करना है या नहीं करना। तो ये मैं आपको पूरी ज़िम्मेदारी से जो निशान लगाऊँगा वही आपने करना है, पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से ये काट दें जी बाकी जो मैंने काटा हुआ है। फर्स्ट लीगल प्रोविज़न है, फर्स्ट रिक्वायरमेंट है, That is who should furnish the return. Return कौन जमा करवाएगा? तो सेक्शन 114 में इसके बारे में बताया गया है कि रिटर्न ऑफ इनकम जमा करवाने के लिए क्या रिक्वायरमेंट है, मतलब किस के लिए ज़रूरी है रिटर्न जमा करवाना, who should furnish a return. अब आप देखें ये सारे पॉइंट्स जो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि इन इन ने लोगों ने इन इन इदारों ने रिटर्न ऑफ इनकम जमा करवानी है, ये सारे के सारे टैक्स पेयर की एक्सप्लेनेशन के सेम पॉइंट्स हैं, कॉपी हुए हैं यहाँ पर। मैंने इसलिए कहा था टैक्स पेयर की डेफिनेशन जब आप करेंगे तो आपका ये रिटर्न ऑफ इनकम का जो पहला पॉइंट है ना ये तो क्लियर हो जाएगा, जो आमतौर पे मुश्किल लगता है ना, तो टैक्स पेयर की डेफिनेशन तो आपने करनी ही करनी है, और ये नहीं कि आप उसको छोड़ देंगे लेंथी समझ कर, मुश्किल समझ कर, वो लाजमी करनी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। डेफिनेशन आपने कर ली तो पहली लीगल रिक्वायरमेंट है, पहला कानूनी लवाजमात में से रिक्वायरमेंट है जी हु शुड फर्निश द रिटर्न। तो रिटर्न कौन कौन जमा करवाएगा जी, एवरी पर्सन हुज इनकम एक्सीड्स एवरी कंपनी रिस्पेक्टिव ऑफ इनकम नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन अप्रूव वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन एनी पर्सन हुज इनकम इज सब्जेक्ट टू अ फाइनल टैक्सेशन एनी पर्सन हु हैज़ बीन चार्ज टू द टैक्स फॉर द टू टैक्स ईयर इमीडिएटली प्रोसीडिंग द प्रीवियस टैक्स ईयर एनी पर्सन हु क्लेम्स अ लॉस कैरी फॉरवर्ड फ्रॉम द प्रीवियस ईयर। इन सब पॉइंट्स को मैं लास्ट लेक्चर में एक्सप्लेन कर चुका हूँ, अगर आपको अभी भी समझ नहीं आई तो आप
टैक्स पेयर की डेफिनेशन की वीडियो जो है वो देख सकते हैं। तो पहला पॉइंट तो यहाँ पर क्लियर हो गया। सेकंड रिक्वायरमेंट है, सेकंड लीगल प्रोविजन है, रिक्वायरमेंट ऑफ रिटर्न, रिटर्न ऑफ इनकम जमा करवाने की जो रिक्वायरमेंट है वो क्या है। जैसे आपको कहा जाता है अगर आपने कॉलेज में अप्लाई करना तो ये रिक्वायरमेंट्स हैं, ये फुलफ़िल करें, ये डॉक्यूमेंट्स साथ अटैच करें, इतनी फ़ीस जमा करवाएं, इतने बजट जमा करवाएं, ये टाइम होगा। तो रिक्वायरमेंट्स ऑफ रिटर्न, रिटर्न ऑफ इनकम जमा करवाने की रिक्वायरमेंट क्या है। पहली रिक्वायरमेंट है इट शुड बी इन द प्रिस्क्राइब फॉर्म, यहाँ तक करना है बस। ये छपे हुए प्रिंटेड फॉर्म की शक्ल में जो टैक्स डिपार्टमेंट आपको फॉर्म देगा ना उसमें होनी चाहिए, बाकी ये काट दें, एंड से लेकर टैक्सेशन तक काट दें। दूसरा पॉइंट, इस फॉर्म के अंदर आप क्या करें, ऑल द पर्टिकुलर्स एंड इंफॉर्मेशन इंक्लूडिंग अ डिक्लेरेशन ऑफ द रिकॉर्ड कैप्ट बाय द टैक्स पेयर शुड बी प्रोवाइडेड इन द रिटर्न। रिटर्न में जो कुछ आपसे पूछा गया है वो सब कुछ बताएं। जैसे कहा जाता है ना इस फॉर्म को मुकम्मल फिल करें, अपने नाम, फादर नेम, अपने फादर की ऑक्यूपेशन, उनकी इनकम, अपने प्रीवियस रिकॉर्ड्स को बताएं। तो आपने रिटर्न ऑफ इनकम के फॉर्म को भी मुकम्मल फिल करना है। थर्ड, द एविडेंस ऑफ टैक्स पेड एज पर रिटर्न ऑफ इनकम शुड बी अटैच्ड। आपने जब रिटर्न ऑफ इनकम जमा करवानी है ना तो उसके साथ एविडेंस अटैच करना है कि भाई इतना वो टैक्स है जो हम ड्यूरिंग द ईयर पे कर चुके हैं। जैसा कि आपको पता है कि मैं पंजाब यूनिवर्सिटी गुजरांवाला कैंपस में भी पढ़ाता हूँ, तो जब मैं अपनी रिटर्न फाइल करता हूँ ना अपनी आमदनी की तफसीलात बताता हूँ, तो मैं बताता हूँ मैंने पंजाब यूनिवर्सिटी से इतनी अमाउंट वसूल की, उन्होंने इतना टैक्स मेरा काट लिया, ये उसका प्रूफ है। तो होता क्या, ड्यूरिंग द ईयर भी हम टैक्सेस पे कर देते हैं। जैसे हमें अब सैलरी मिलती है ना गवर्नमेंट की तरफ से, तो उसमें से टैक्सेस कट कर हमें सैलरी मिलती है, तो हम उसकी इनकम स्लिप साथ लगा दें ना, अपनी सैलरी स्लिप उसके ऊपर लिखा होता है भाई इनकी सैलरी में से हर महीने इतना टैक्स कट गया है। ये टैक्स डिपार्टमेंट के पास प्रूफ चला जाता है कि इतनी इस पर्सन की इनकम है, इतना वो टैक्स दे चुका है, ताकि रिमेनिंग टैक्स कैलकुलेट किया जा सके टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से। फोर्थ रिक्वायरमेंट क्या है, पहले रिक्वायरमेंट क्या है, ये प्रिस्क्राइब फॉर्म की शक्ल में हो, ऑल पर्टिकुलर एंड इन्फॉर्मेशन जो उसमें हो वो सारी फिल की होनी चाहिए, एविडेंस ऑफ टैक्स पेड जो है वो भी साथ अटैच करना है। इफ़ द डिक्लेयर्ड इनकम, और रिक्वायरमेंट ये है कि अगर आपकी डिक्लेयर्ड इनकम 5 लाख से ज़्यादा है तो आपने क्या करना है, द वेल्थ स्टेटमेंट एंड वेल्थ रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट शुड बी अटैच। तो आपने अपनी वेल्थ की स्टेटमेंट भी जमा करवानी है और वेल्थ रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट भी साथ जमा करवानी है रिटर्न ऑफ इनकम के साथ। क्या मतलब, जैसे मैं मिसाल देता हूँ, अगर आपने कॉलेज में इंटर के लिए अप्लाई करना है तो कहते हैं जी मैट्रिक के डॉक्यूमेंट्स साथ लगाएं, अगर आपने बैचलर्स के लिए अप्लाई करना है तो कहा जाता है भाई मैट्रिक के डॉक्यूमेंट्स भी लगाएं, इंटर के भी लगाएं, और अगर आपने मास्टर्स के लिए अप्लाई करना है तो कहा जाता है भाई इंटर के, मैट्रिक और बैचलर सबके डॉक्यूमेंट्स साथ अटैच करें। तो यहाँ पर रिक्वायरमेंट ये है कि अगर इनकम 5 लाख से ज़्यादा है तो आपने वेल्थ स्टेटमेंट भी साथ जमा करवानी है और वेल्थ रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट भी जमा करवानी है। अब वेल्थ स्टेटमेंट क्या होती है, वेल्थ कहते हैं दौलत को, वेल्थ का मतलब है जो कुछ भी एक पर्सन की मलकियत में है, बेशक उसके कारोबार में है या उसके घर में है, घर का फर्नीचर, घर की ज्वेलरी, घर की सारी इलेक्ट्रॉनिक्स की चीज़ें, घर का, घर की बिल्डिंग, कोई प्लॉट है किसी का, कोई दुकान है किसी की, कोई बिजनेस है, मशीनरी है, इवन हर चीज़ वेल्थ स्टेटमेंट में लिखी जाती है। बैंक बैलेंस भी लिखा जाता है, आपकी मोटर व्हीकल, गाड़ियाँ, मोटरसाइकिल जो आपके नाम हो वो सब कुछ लिखना है। दिस इज़ कॉल्ड अ वेल्थ स्टेटमेंट। कुल दौलत, वेल्थ, वो चाहे डोमेस्टिक घरेलू हो, चाहे वो बिजनेस में हो, वेल्थ स्टेटमेंट कहलाती है। वेल्थ रिकॉन्सिलिएशन का मतलब क्या है, देखिए वेल्थ स्टेटमेंट की समझ तो आ गई आपको, वेल्थ रिकॉन्सिलिएशन का मतलब है ये वेल्थ आई कहाँ से, इनका सोर्स भी बताना है। अगर बैंक बैलेंस है तो बताना भाई ये मेरी सैलरी से आई, मेरी सेविंग्स से आई, मेरे बिजनेस में से आई, गाड़ी है तो कैसे लिया आपने, उसका पैसा कहाँ से आया, वो भी सेविंग्स में से आया जी, ज्वेलरी है तो जी मेरी मिसेज को, वाइफ को मिली जी, उसके जहेज़ में साथ मिली, फर्नीचर है तो मेरा अपना है या मैंने मेरी मिसेज का है, जो भी होगा, या किसी ने किसी को कहीं से गिफ्ट मिला है। तो वेल्थ रिकॉन्सिलिएशन का मतलब होता है जी वेल्थ है, वेल्थ आई कहाँ से, उसके सोर्सेज भी बताने हैं। क्लियर है जी। तो पहली रिक्वायरमेंट क्या है, ये प्रिस्क्राइब फॉर्म की शक्ल में हो, दूसरा जी सारी पर्टिकुलर्स और इन्फॉर्मेशन उसमें जो पूछे जाएँ आपसे मालूमात वो सारी फिल करें, एविडेंस ऑफ टैक्स पेड जमा करवाएं, अगर इनकम 5 लाख से ज़्यादा है तो वेल्थ स्टेटमेंट भी जमा करवाएं, वेल्थ रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट भी जमा करवाएं। इन केस ऑफ इंडिविजुअल, अगर वो पर्सन जो रिटर्न जमा करवाने वाला है वो कोई इंडिविजुअल है तो उसके साइन का होना ज़रूरी है, इट मस्ट बी साइन बाय द पर्सन और हिज रिप्रेजेंटेटिव इफ़ अलाउड अंडर द लॉ।
उस पर्सन के खुद साइन हो या उसके मैनेजर के या उसके नुमाइंदे के, उसका बेटा भी उसका नुमाइंदा हो सकता है, उसकी वाइफ भी उसकी नुमाइंदा हो सकती है, उसका मैनेजर, बिजनेस मैनेजर भी उसका नुमाइंदा हो सकता है, जिसको वो लॉ के मुताबिक ऑथोराइज़ करे कि ये मेरा जी ऑथोराइज पर्सन है, इसके सिग्नेचर होंगे तो समझ लीजिएगा ये वेल्थ मेरी तरफ से ही जमा हुई है। पाँच रिक्वायरमेंट होगी। छठी रिक्वायरमेंट है, इट मस्ट अकम्पनाइज के साथ होना चाहिए। क्या फॉरेन इनकम एंड एसेट स्टेटमेंट, अगर किसी की गैर मुल्की आमदनी और गैर मुल्की असासे हैं ना, तो रिटर्न ऑफ इनकम के साथ आपने उसकी तफसीलात भी बतानी है। ये सेक्शन 116A में लिखा हुआ है कि जो अपनी रिटर्न ऑफ इनकम जमा करवाएगा उसके साथ उसने फॉरेन इनकम और फॉरेन एसेट्स की तफसीलात भी जमा करवानी है। द रिटर्न ऑफ इनकम कैन बी फाइल इलेक्ट्रॉनिकली। अब ये भी जो है वो कंडीशन है कि आपने जो अपनी रिटर्न ऑफ इनकम है सैलरीड पर्सन के लिए, तो लाजमी है कि वो अपनी रिटर्न ऑफ इनकम इलेक्ट्रॉनिकली ऑनलाइन ही जमा करवाएगा। पहले होता था जी बुक सेंटर से, फोटोकॉपियर से फॉर्म मिल जाते थे, टैक्स डिपार्टमेंट के दफ्तर से फॉर्म मिल जाता था, उस फॉर्म को आप मैनुअली हाथ से फिल करते थे और जमा करवा देते थे। लेकिन अब सैलरीड पर्सन के लिए लाजमी है कि ऑनलाइन ही फॉर्म आता है, ऑनलाइन ही फिल करके जमा करवाना होता है, और उसकी उसका प्रिंट आप ले लें तो आपके पास ये प्रूफ रहता है भाई मैंने रिटर्न ऑफ इनकम जमा करवा दी है। द रिटर्न ऑफ इनकम कैन बी फाइल्ड इलेक्ट्रॉनिकली ऑन द वेब और एनी मैग्नेटिक मीडिया। ठीक है जी, ये भी इतना ही करें आप। तो ये ए से लेकर जी तक पॉइंट है, ये रिक्वायरमेंट ऑफ रिटर्न के हवाले से ये सेकंड लीगल प्रोविजन है। इट शुड बी इन प्रिस्क्राइब फॉर्म, ऑल पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन शुड बी प्रोवाइडेड, द एविडेंस ऑफ टैक्स पेड एज पर द रिटर्न ऑफ इनकम शुड बी अटैच, इफ द डिक्लेयर इनकम इज अबव 5 लाख देन वेल्थ स्टेटमेंट एंड वेल्थ रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट शुड बी अटैच, इन केस ऑफ इंडिविजुअल इट मस्ट बी साइंड बाय द पर्सन और इज रिप्रेजेंटेटिव, इट मस्ट अकम्पनी अ फॉरेन इनकम और एसेट स्टेटमेंट, द रिटर्न ऑफ इनकम कैन बी फाइल्ड इलेक्ट्रॉनिकली ऑन द वेब और एनी अदर मैग्नेटिक मीडिया। थर्ड है जी टैक्स पेयर्स प्रोफाइल। पहली लीगल रिक्वायरमेंट क्या थी, हु शुड फर्निश द रिटर्न। सेकेंड लीगल रिक्वायरमेंट क्या है, रिक्वायरमेंट ऑफ रिटर्न। थर्ड लीगल रिक्वायरमेंट क्या है, टैक्स पेयर्स प्रोफाइल। टैक्स पेयर की डेफिनेशन आपने पढ़ी है। In order to improve the documentation, this new section has been added through Finance Act 2020. Finance Act कहते हैं बजट, 2020 के बजट में जो बिल आया था ना Finance Act, उसमें ये इजाफा किया गया है डॉक्यूमेंटेशन को बेहतर बनाने के लिए। इसके मुताबिक क्या होगा, इट रिक्वायर सर्टन पर्सन टू फर्निश प्रोफाइल कंटेनिंग देयर बैंक अकाउंट्स, यूटिलिटी कनेक्शन एंड डिटेल्स ऑफ बिजनेस प्रीमिसेस। कि आपने क्या करना है, सबके लिए लाजमी नहीं है, सर्टन पर्सनस के लिए। सर्टन पर्सन में कुछ इंडिविजुअल भी आ सकते हैं, कुछ कंपनियां भी आ सकती हैं, कुछ एसोसिएशंस भी आ सकती हैं, उनके लिए लाजमी कर दिया गया है कि जब आपने अपने रिटर्न ऑफ इनकम जमा करवानी है तो अपने बैंक अकाउंट्स के बारे में भी बताना है, अपने घरेलू जो या कारोबारी जो कनेक्शंस है ना, यूटिलिटी कनेक्शन मतलब गैस बिजली पानी का टेलीफोन का जो कनेक्शन है उनकी डिटेल्स भी बतानी है, और बिज़नेस प्रीमिसेस आपके कहाँ कहाँ पे कारोबारी हलके हैं, कारोबारी जायदादें हैं, कारोबार हैं, कहाँ कहाँ पर आपकी कंपनियाँ हैं, आपके आपकी फैक्ट्रियाँ हैं, उनके बारे में भी बताना है। तो ये फाइनेंस एक्ट 2020 में ये इजाफा किया गया, सर्टन पर्सन के ये लाजमी कर दिया गया कि उन्होंने अपने बैंक अकाउंट्स के बारे में, यूटिलिटी कनेक्शन उनके बिल्स के बारे में, और अपने कारोबारी जो प्रीमिसेस हैं जायदादें हैं उनके बारे में भी बताना है। इफ़ अ पर्सन रिक्वायर टू फाइल प्रोफाइल, अब ये हर पर्सन से तो रिक्वायर नहीं किया जाएगा, जिस पर्सन से रिक्वायर किया जाएगा टू प्रोफाइल प्रोफाइल कि वो अपनी फाइल प्रोफाइल जमा करवाए, मतलब प्रोफाइल अपनी जमा करवाए, फेल टू डू सो अगर उसने ऐसा ना किया विद इन प्रिस्क्राइब टाइम, जो उसे टाइम दिया गया है उसमें अगर उसने अपनी प्रोफाइल फाइल ना की, जमा ना करवाई, ही विल बी एक्सक्लूडेड फ्रॉम द एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट। एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट की डेफिनेशन भी मैं आपको पढ़ा चुका हूँ कि जो भी पर्सन अपनी आमदनी की तफसीलात जमा करवा देता है, रिटर्न ऑफ इनकम जमा करवा देता है हर मंडे मॉर्निंग को, उसका नाम ATL में एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट में शामिल कर दिया जाता है, कंसीडरिंग कि भाई उस वो टैक्स पेयर बन चुका है, रिटर्न ऑफ इनकम जमा करवाने वाला फाइलर बन चुका है। तो टैक्स पेयर प्रोफाइल ये तीसरी लीगल प्रोविजन थी, आगे लिस्टेशन है इसको काट दें। फोर्थ है जी फर्निशिंग ऑफ वेल्थ स्टेटमेंट, इसके बारे में हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि वेल्थ स्टेटमेंट और वेल्थ रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट जमा करवाना किन किन के लिए लाजमी है। फाइलिंग अ वेल्थ एंड वेल्थ रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट अलॉन्ग विद रिटर्न ऑफ इनकम इज कंपल्सरी। रिटर्न ऑफ इनकम जमा, वेल्थ स्टेटमेंट जमा करवाना और वेल्थ रिकॉन्सिलेशन जमा करवाना लाजमी है, किसके लिए, फॉर द फॉलोइंग पर्संस। कौन से पर्सन जी, एवरी इंडिविजुअल टैक्स पेयर फाइलिंग अ रिटर्न ऑफ इनकम, हर इंडिविजुअल टैक्स पेयर जो अपनी रिटर्न ऑफ इनकम जमा करवाएगा वो साथ वेल्थ स्टेटमेंट और वेल्थ रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट भी जमा करवाएगा। एनी पर्सन अदर देन कंपनी, कंपनी के अलावा और एसोसिएशन ऑफ पर्सन के अलावा, विच फॉल अंडर FTR फाइनल टैक्स रिजीम।
हम इसके बारे में बाद में पढ़ेंगे कि एफटीआर क्या है, आपकी फाइनल टैक्स रिजीम है, इनकम का एक ऐसा पोर्शन है जो हर किसी का नहीं होता, जिनका होगा ये वाला पोर्शन, इसकी डिटेल हम इंशाल्लाह पढ़ेंगे बाद में। अभी आप ये समझ लें, जिसकी एफटीआर की इनकम होगी ना, जिसके एफटीआर में जो फॉल करता होगा उसके लिए भी वेल्थ स्टेटमेंट जमा करवाना लाजमी है। फिर एवरी मेंबर ऑफ एन एसोसिएशन ऑफ पर्सन एओपी, इसकी डेफिनेशन मैंने आपको पढ़ाई थी एसोसिएशन ऑफ पर्सन की, एओपी की, अ फर्म आ हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन एनी बॉडी ऑफ पर्सन फॉर्म अंडर द फॉरन लॉ। एसोसिएशन का मैंने कहा था सिंपल सी मिसाल अपने जहन में रखें, पार्टनरशिप बिजनेस उसको कहते हैं। इसके अलावा और भी मिसालें हैं लेकिन आप पार्टनरशिप बिजनेस को जहन में रखेंगे। इंडिविजुअल के लिए एवरी मेंबर ऑफ एओपी, हर एसोसिएशन ऑफ पर्सन के मेंबर के लिए भी लाजमी है कि वो वेल्थ स्टेटमेंट जमा करवाए और वेल्थ रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट जमा करवाए। एवरी पर्सन टू होम कमिश्नर ऑफ इनलैंड रेवेन्यू, कमिश्नर ऑफ इनलैंड रेवेन्यू का मतलब है टैक्स का कमिश्नर, टैक्स डिपार्टमेंट का जो कमिश्नर है ना, जो जिसको कहेगा ना, जिसको नोटिस भेजेगा भाई आपने अपनी रिटर्न ऑफ इनकम जमा करवानी है, तो उसके लिए वेल्थ स्टेटमेंट जमा करवाना लाजमी होगी, जिसको कमिश्नर कह देगा, कमिश्नर ऑफ इनलैंड रेवेन्यू। इनलैंड रेवेन्यू का लफ्ज़ जो है ना, ये टैक्स डिपार्टमेंट के ऑफिस टैक्स डिपार्टमेंट के लिए इस्तेमाल होता है इनलैंड रेवेन्यू। इसका पहले नाम होता था कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स, अब क्या है कमिश्नर ऑफ इनलैंड रेवेन्यू। इनलैंड रेवेन्यू मतलब पाकिस्तान का टैक्स इकट्ठा करने वाला कमिश्नर। ठीक हो गया जी, वेल स्टेटमेंट हो गया जी। फोर्थ हमने लीगल रिक्वायरमेंट्स पढ़ ली हैं, लीगल प्रोविजंस पढ़ ली हैं। हु शुड फर्निश द रिटर्न, रिटर्न ऑफ इनकम के हवाले से रिक्वायरमेंट ऑफ रिटर्न क्या है, रिटर्न ऑफ इनकम। टैक्स पेयर्स प्रोफाइल जमा करवाना, ये भी रिटर्न ऑफ इनकम की कानूनी लवाजमात हैं। फिर वेल्थ स्टेटमेंट जमा करवाना रिटर्न ऑफ इनकम के साथ, ये भी कानूनी लवाजमात में से एक है। उसके बाद फिफ्थ है जी फॉरन स्टेटमेंट, इनकम स्टेटमेंट एंड एसेट स्टेटमेंट, फॉरन इनकम की और एसेट की स्टेटमेंट। इफ़ अ पर्सन इज, इफ़ एनी रेजिडेंट इंडिविजुअल हैज़ फॉरन इनकम, अगर किसी रेजिडेंट इंडिविजुअल, रेजिडेंट इंडिविजुअल याद है ना आपने पढ़ी थी डेफिनेशन मैंने, रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट स्टेटस में पढ़ाई थी। रेजिडेंट इंडिविजुअल वो है जो पाकिस्तान में 183 दिन एक साल में या उससे ज़्यादा दिन ठहरे, या वो पाकिस्तान में 120 डेज़ ठहरे और पिछले चार सालों में 365 दिन ठहरे, या पाकिस्तानी हुकूमत का वफाकी हुकूमत या सूबाई हुकूमत का मुलाजिम होगा, तो उसको कहते हैं ये रेजिडेंट इंडिविजुअल है। अगर किसी रेजिडेंट की फॉरेन इनकम, गैर मुल्की आमदनी 10,000 US डॉलर से, 10,000 US डॉलर हो या उससे ज़्यादा हो, 10,000 US डॉलर आप समझ लें 160 रुपये का अगर US डॉलर है तो 160 के हिसाब से आप हिसाब लगा लें तकरीबन 16 लाख रुपया बनता है। किसी की आमदनी जो है ना वो 16 लाख, गैर मुल्की आमदनी 16 लाख या उससे ज़्यादा हो, गैर मुल्की आमदनी 16 लाख या उससे ज़्यादा हो, तो उसके लिए भी लाजमी है कि वो अपनी रिटर्न ऑफ इनकम के साथ फॉरेन इनकम की तफसील भी जमा करवाएगा। और पोजेसिस या उसके बाद फॉरेन एसेट किसी गैर मुल्क में, दूसरे मुल्क में असासे हों जिनकी वैल्यू जो है ना 1,60,00,000, 1,00,00 US डॉलर, तो 160 रुपये का अगर डॉलर हो तो 1,60,00,000 के अगर उसके गैर मुल्की असासे हों और मोर या इससे ज़्यादा के, शुड फर्निश द फॉरेन इनकम एंड एसेट स्टेटमेंट विच शुड प्रोवाइड द फॉलोइंग डिटेल। फॉलोइंग डिटेल को हम छोड़ देते हैं जी, यहाँ तक ही आपने करना है, विच फॉरेन इनकम एंड एसेट स्टेटमेंट, यहाँ तक आपने करना है। अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना है आपने कि रिटर्न ऑफ इनकम जमा करवाने के साथ साथ फॉरेन इनकम, गैर मुल्की आमदनी और गैर मुल्की जो असासे हैं उनकी तफसीलात जमा करवाना लाजमी है। किसके लिए, जिसकी गैर मुल्की आमदनी जो है वो 10,00,000 US डॉलर से या उससे ज़्यादा हो, और गैर मुल्की असासे जिसके 1,00,000 US डॉलर या उससे ज़्यादा हों। ठीक हो गया जी। नेक्स्ट ये वाला ए बी सी ये पॉइंट बेशक आप काट दें, कोई मसला नहीं है जी। फिफ्थ, फाइव हो गई जी आपकी लीगल प्रोविजन। सिक्स लीगल प्रोविजन है जी, व्हेन टू फर्निश द रिटर्न ऑफ इनकम, रिटर्न ऑफ इनकम जमा कब करवानी है, तारीख क्या होगी, कौन सा टाइम पीरियड होगा। वैसे तो रिटर्न ऑफ इनकम की तारीख हर साल के हिसाब से बदल सकती है, टैक्स डिपार्टमेंट का कमिश्नर जब चाहे इसको बढ़ा सकता है, कम कर सकता है। जैसे इस बार आप देखें कि पहले जो है वो डेट आई थी जी दिसंबर में जमा करवानी है, अब उसको एक्सटेंड कर दिया गया, जनवरी के पहले हफ्ते में कर दिया गया। नो, व्हेन टू फर्निश द रिटर्न ऑफ इनकम, रिटर्न ऑफ इनकम कब जमा करवानी है, द कंपनी हूज टैक्स ईयर एंडेड बिटवीन 1 जनवरी एंड 30 जून, जिन कंपनियों का तो टैक्स ईयर 1 जनवरी और 30 जून के दरमियान में ख़त्म होता है। हर कंपनी का अपना टैक्स ईयर हो सकता है, हम ये पढ़ेंगे डेफिनेशन टैक्स ईयर की इसके बाद इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में, चले मैं आपको वही पढ़ा दूंगा टैक्स ईयर की डेफिनेशन। हर कंपनी का टैक्स ईयर मुख्तलिफ हो सकता है, उसको कहते हैं स्पेशल टैक्स ईयर, उन कंपनियों के बिजनेस नेचर के हिसाब से, सीजन के हिसाब से।
द कंपनीज हुज टैक्स ईयर एंड्स बिटवीन 1 जनवरी एंड 30 जून, जिन कंपनियों का टैक्स ईयर 1 जनवरी से 30 जून के दरमियान ख़त्म होता है, द रिटर्न ऑफ इनकम मस्ट बी फर्निश्ड, उन्हें रिटर्न ऑफ इनकम लाजमी जमा करवानी है अप टू 31 दिसंबर ऑफ द सेम ईयर, उसी साल की 31 दिसंबर तक उन्हें रिटर्न ऑफ इनकम अपनी लाजमी जमा करवानी है, जिनका टैक्स ईयर किसी भी साल 1 जनवरी से 30 जून इन 6 महीने के दरमियान, जनवरी में ख़त्म हो जाए, फरवरी में टैक्स ईयर ख़त्म हो जाए, मार्च में, अप्रैल में, मई में, जून में, उन्होंने अगर 2020 के है ना ये, तो 2020 की 31 दिसंबर तक उनके लिए रिटर्न जमा करवाना लाजमी है, आमदनी की तफसीलात जमा करवाना लाजमी है। ऑल अदर पर्सन मस्ट, इनके अलावा मतलब 1 जनवरी से 30 जून के अलावा अगर किसी का टैक्स ईयर ख़त्म होता है, मतलब किसी का जुलाई में ख़त्म होता है, अगस्त में ख़त्म होता है, सितंबर में ख़त्म होता है, नवंबर में, अक्टूबर में, नवंबर में, दिसंबर में ख़त्म होता है, 1 जनवरी से 30 जून के अलावा अगर किसी का टैक्स ईयर ख़त्म होगा, तो उन्होंने अगले साल 30 सितंबर तक, उस साल नहीं, अगले साल 30 सितंबर तक अपने रिटर्न जो है वो जमा करवानी है। ठीक है जी, ये दो पॉइंट हो गए। नेक्स्ट सी और डी पॉइंट आप छोड़ दें, ए और बी पॉइंट ही आपने करना है। सेवन्थ लीगल प्रोविजन पर आ जाती, दैट इज़ रिटर्न ऑफ अ सैलरीड पर्सन। इफ़ द सैलरीड इनकम ऑफ अ पर्सन इज टैक्सेबल, देन ही मस्ट फाइल द रिटर्न ऑफ इनकम इलेक्ट्रॉनिकली इन द प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म। पहले भी ये पॉइंट डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन अब ये पॉइंट सेपरेटली इस वजह से क्योंकि स्पेसिफिकली सैलरीड पर्सन के हवाले से है, जो पर्सन सैलरी कमा रहा हो, जॉब कर रहा हो, उसके लिए लीगल प्रोविज़न ये है कि उसने रिटर्न ऑफ इनकम जो है ना अपनी आमदनी की तफसीलात इलेक्ट्रॉनिकली ही जमा करवानी है, वो बाय हैंड मैनुअली जमा नहीं करवा सकता। इट मस्ट अकम्पनाइड, इसके साथ आपने अकम्पनाइड करना है, अटैच करना है बाय द प्रूफ ऑफ डिडक्शन और पेमेंट ऑफ टैक्स एंड वेल्थ स्टेटमेंट अलॉन्ग विद द वेल्थ रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट एंड फॉरन इनकम एंड एसेट स्टेटमेंट इफ़ एप्लीकेबल। क्योंकि फॉरेन इनकम और एसेट स्टेटमेंट जो है वो हर किसी के लिए लाजमी नहीं है, जैसा कि मैंने पहले भी बताया लीगल प्रोविज़न में आपने डिस्कस किया कि जिसकी फॉरेन इनकम $10,000 या उससे ज़्यादा होगी उसने फॉरेन इनकम स्टेटमेंट जमा करवानी है, और जिसके फॉरेन एसेट्स की जो अमाउंट है वो $100,000 या उससे ज़्यादा होगी तो उसने जो है वो फॉरेन एसेट स्टेटमेंट जमा करवानी है। बहरहाल सैलरीड पर्सन के लिए लीगल रिक्वायरमेंट ये है कि उसने अपनी रिटर्न ऑफ इनकम जो है वो इलेक्ट्रॉनिकली ही जमा करवानी है। उसके बाद ये लिस्टेशन नंबर 2 है, ये काट दें, लिस्टेशन जाहिर सी बात है आपने नहीं करनी। उसके बाद 8th लीगल प्रोविज़न है जी, एक्सटेंशन ऑफ फाइलिंग द रिटर्न ऑफ इनकम। रिटर्न ऑफ इनकम अगर कोई टाइमली जमा नहीं करवा सकता तो क्या वो एक्सटेंशन ले सकता है, इसके बारे में कानून क्या कहता है, इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 उसका सेक्शन 119 क्या कहता है। द कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स हैज़ अ पावर टू एक्सटेंड द डेट ऑफ फर्निशिंग द रिटर्न ऑफ इनकम प्रोवाइडेड दैट एन एप्लीकेशन फॉर एक्सटेंशन इन टाइम इज प्रेजेंटेड बाय द ड्यू डेट ऑफ फर्निशिंग द रिटर्न। बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, देखें जी अगर कोई रिटर्न ऑफ इनकम अपनी टाइमली जमा नहीं करवा सकता तो उसको एप्लीकेशन देनी है, दरख्वास्त देनी है कमिश्नर को, और कमिश्नर उसकी दरख्वास्त को अप्रूव करेगा कि वाकई ही इसको एक्सटेंशन मिलनी चाहिए। लेकिन कब, जब वो एक्सटेंशन की एप्लीकेशन दरख्वास्त देगा ड्यू डेट से पहले, यानी कि ड्यू डेट गुजर गई है और गुजरने के बाद वो फाइल एप्लीकेशन देगा, तो एप्लीकेशन देनी है एक्सटेंशन की ड्यू डेट से पहले। इफ़ ऑन रिसीट ऑफ सच एन एप्लीकेशन, एप्लीकेशन वसूल करने के बाद कमिश्नर इज़ सेटिस्फाइड, अगर कमिश्नर मुतमईन हुआ उसकी वजह से, जो वजह उसने बताई है एक्सटेंशन के लिए, देन एन एक्सटेंशन इज़ नेसेसरी बिकॉज ऑफ टैक्स पेयर एबसेंस फ्राम पाकिस्तान, कि एक्सटेंशन ज़रूरी है क्योंकि टैक्स पेयर पाकिस्तान में मौजूद ही नहीं है, वो पाकिस्तान से बाहर किसी वजह से गया हुआ है, ही सिकनेस या वो बीमार है, और अदर मिस एडवेंचर और एनी अदर जेन्युइन डिफ़िकल्टी, या उसके साथ कोई मिस एडवेंचर, कोई हादसा हो गया है, या कोई और जेन्युइन डिफ़िकल्टी है, वाकई ही हकीकी कोई मुश्किल है उसके लिए, द कमिश्नर विल ग्रांट एन एक्सटेंशन फॉर अ पीरियड नॉट एक्सीडिंग 15 डेज। तो कमिश्नर उसे 15 दिन से ज़्यादा की एक्सटेंशन नहीं देगा, 15 दिन का टाइम दे देगा कि 15 दिन के अंदर अंदर वो अपनी जो है वो रिटर्न फाइल कर दे ड्यू डेट के बाद। तो वैन शुड फर्निश द रिटर्न, उसके हवाले से आप देख लें
कि जो भी तारीख होगी रिटर्न ऑफ इनकम जमा करवाने की, अगर उस तारीख तक जो टैक्स पेयर है वो रिटर्न जमा नहीं करवा पाएगा तो वो क्या करेगा, उस ड्यू डेट आने से पहले एप्लीकेशन मूव करेगा कमिश्नर के पास। कमिश्नर अगर सेटिस्फाइड हुआ कि वाकई उसकी जेन्युइन डिफ़िकल्टी है, उसके साथ कोई हादसा हो गया है, वो बीमार है या वो पाकिस्तान से बाहर है, तो 15 दिन की एक्सटेंशन उसको दी जा सकती है। तो यहाँ तक 15 डेज तक, यहाँ तक आपने ये पॉइंट करना है, आगे वाला हिसाब बेशक काट दें। नाइन्थ लीगल प्रोविजन है इनवैलिड रिटर्न, वो रिटर्न जो खारिज कर दी जाती है, इनवैलिड करार दे दी जाती है, ना काबले कबूल करार दे दी जाती है। किस वजह से? देखिए जी, रिक्वायरमेंट ऑफ रिटर्न आपने पढ़ी थी ना, रिक्वायरमेंट ऑफ रिटर्न कि भाई रिटर्न प्रिस्क्राइब फॉर्म पर होनी चाहिए, उसके साथ जो जो पर्टिकुलर जो इन्फॉर्मेशन है वो अटैच होने चाहिए, अगर इंडिविजुअल की है तो उस पर साइंड होने चाहिए, अगर वेल्थ स्टेटमेंट की रिक्वायरमेंट है तो वेल्थ स्टेटमेंट साथ अटैच करनी है। अगर वो रिक्वायरमेंट कोई जमा साथ जो है वो फुलफ़िल नहीं करता तो उसकी रिटर्न को इनवैलिड करार दे दिया जाता है। द फॉलोइंग इंस्टेंसेज इलस्ट्रेट द सर्कमस्टांसिस अंडर विच द रिटर्न फर्निश्ड विल बी ट्रीटेड एज इनवैलिड। नीचे वो सर्कमस्टांसिस, वो हालात हैं, वो वाक़ात हैं जिनकी बुनियाद पर रिटर्न ऑफ इनकम को इनवैलिड करार दे दिया जाता है। रिटर्न विच इज़ नॉट साइन एंड वेरीफाइड बाई द टैक्स पेयर और हिज ऑथोराइज एजेंट, वो रिटर्न जो साइन ना हो, जो वेरीफाइड ना हो, जो उसके ऑथोराइज पर्सन ने साइन ना की हो, उस रिटर्न को इनवैलिड करार दे दिया जाता है। वो रिटर्न नॉट फर्निश इन द प्रिस्क्राइब मैनर और फॉर्म, वो जो प्रिस्क्राइब फॉर्म दिया गया था आप उस फॉर्म के अलावा सादे पेज पर या अपनी मर्जी का एक फॉर्म बनाकर उस पर जमा करवा देते हैं, वो भी रिटर्न इनवैलिड हो जाती है। फिर कोई अगर वेल्थ स्टेटमेंट, वही रिक्वायरमेंट वाला पॉइंट जहन में रखना, फिर ये चारों पॉइंट आपको आसानी से याद हो जाएंगे। अगर वेल्थ स्टेटमेंट जमा करवाना लाजमी है, उसकी इनकम 5 लाख या उससे ज़्यादा है, वो फिर भी वेल्थ स्टेटमेंट साथ जमा नहीं करवाता तो उसकी रिटर्न भी खारिज कर दी जाएगी, इनवैलिड करार दे दी जाएगी। नॉन फर्निशिंग ऑफ वेल्थ स्टेटमेंट अलॉन्ग विद रिटर्न ऑफ टोटल इनकम, इफ द टोटल इनकम ऑफ लास्ट ईयर और प्रेजेंट ईयर इज 5 लाख और मोर, अगर इनकम 5 लाख या उससे ज़्यादा है फिर भी वो साथ वेल्थ स्टेटमेंट जमा नहीं करवाता जो कि उसके लिए करवाना लाजमी था, तो उसकी रिटर्न को भी इनवैलिड करार दे दिया जाता है। इन केस अ टैक्स पेयर इज नॉट बोर्न ऑन अ नेशनल टैक्स नंबर रजिस्टर, जहाँ तक ये पॉइंट करना, नेक्स्ट वाला पॉइंट, नेक्स्ट वाला हिस्सा काट दें इसका आप। अगर टैक्स पेयर ने नेशनल टैक्स नंबर हासिल नहीं किया हुआ, NTN नंबर हासिल नहीं किया हुआ, अपने आप को रजिस्टर्ड नहीं करवाया हुआ, जैसे देखें आप 18 ईयर के हो जाएं तो आप CNIC अपना हासिल करते हैं, नेशनल आइडेंटिटी कार्ड नंबर जो है वो अपना हासिल करते हैं, सिटीजनशिप नंबर हासिल करते हैं, इसी तरह जब कोई पर्सन इनकम अर्न करना शुरू करता है तो उसके लिए लाजमी है कि वो टैक्स डिपार्टमेंट के आगे अपने आप को रजिस्टर्ड करवा कर अपना एक नेशनल टैक्स नंबर हासिल करे, उसके बाद वो अपनी रिटर्न फाइल कर सकता है। अगर किसी का नेशनल टैक्स नंबर ही नहीं बना हुआ, उसने अपने आप को, अपने बिजनेस को, अपनी कंपनी को, अपने सैलरीड पर्सन को होने को एज आ रजिस्टर्ड नहीं करवाया हुआ तो उसको नेशनल टैक्स नंबर नहीं मिलेगा, नेशनल टैक्स नंबर नहीं मिलेगा तो आप जो है वो रिटर्न ऑफ इनकम भी आपकी इनवैलिड हो जाएगी। तो ये 9th पॉइंट था। 11th पॉइंट है जी, मेथड ऑफ फर्निशिंग द रिटर्न, द रिटर्न ऑफ टोटल इनकम शुड बी फर्निश्ड बाय द रजिस्टर्ड पोस्ट, फर्निश्ड बाय अ रजिस्टर्ड पोस्ट, अगर तो इलेक्ट्रॉनिकली फिर तो जाहिर बात है डाक का या वैसे TCS के जरिए तो नहीं जमा करवाई जा सकती, लेकिन जिनके लिए रिटर्न ऑफ इनकम जमा करवाना इलेक्ट्रॉनिकली लाजमी नहीं है, पार्टनरशिप बिजनेस, इंडिविजुअल बिजनेसेस, वो अपनी रिटर्न ऑफ इनकम बनाने के बाद उसे रजिस्टर्ड पोस्ट करवाएंगे, डाक करवाएंगे, विद द एक्नॉलेजमेंट ड्यू लिखेंगे कि ये किसके नाम है। एक्नॉलेजमेंट ड्यू का मतलब है जब आप कोई भी लेटर लिखते हैं तो बताते हैं भाई ये मेरी तरफ से है और किसको भेजना है, टू फ्रॉम, टू किसको, फ्रॉम किसकी तरफ से, और डिलीवर्ड बाय हैंड या खुद चले जाएं FBR के रीजनल ऑफिस में, वहाँ जाकर जो कंपेटिटिव अथॉरिटी होगी जो इसको वसूल करने वाली होगी उसको वो जमा करवा दें बाय हैंड टू द ऑफिसर हैविंग ज्यूरिसडिक्शन, जो उनके इलाके का ज्यूरिसडिक्शन का ऑफिसर होगा उसको जमा करवा दें, हु मे बी स्पेसिफाइड फॉर दिस पर्पस बाय द कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स, कमिश्नर की तरफ से उसको बाकायदा अथॉरिटी होगी, उसको ज्यूरिसडिक्शन दी जाएगी कि भाई तुमने ये लोगों की एप्लीकेशन जो है जो रिटर्न ऑफ इनकम है वो वसूल करनी है। तो जिनके लिए रिटर्न जमा करवाना बाय हैंड ज़रूरी है वो बाय हैंड जमा करवाएंगे, उसको पोस्ट करवा सकते हैं, उसके ऊपर सारा नाम पता अपना लिखेंगे, और रिस्क जो कंपेटिटिव जो है वो कंपेटिटिव ऑफिसर होगा ना उसको जमा करवानी है। द बोर्ड इज़ एम्पावर्ड टू फ्रेम रूल फॉर इलेक्ट्रॉनिक फाइलिंग, बोर्ड के कुछ रूल्स हैं जिसमें वो स्पेसिफाई करता है कि आपने ये रिटर्न जो है वो इलेक्ट्रॉनिकली जमा करवानी है, अदरवाइज आप जो है वो बाय हैंड जमा करवाते हैं।
नोटिस फॉर फर्निशिंग द रिटर्न ऑफ इनकम, अगर कोई रिटर्न ऑफ इनकम जमा नहीं करवाता तो कमिश्नर के पास ये इख्तियार है कि वो नोटिस भिजवाता है, बार बार याद दहानी करवाता है, भाई आप लेट हो गए हैं, आप लेट हो गए हैं, आप जमा नहीं करवा रहे, फिर वो आपको थ्रेट भी करता है, उसके जो आउटकम्स हैं वो भी बताता है कि अगर आप रिटर्न जमा नहीं करवाएंगे तो आपके खिलाफ ये एक्शन ले लिया जाएगा। तो नोटिस भेजना कमिश्नर का इख्तियार है कि कमिश्नर आपको नोटिस भेज सकता है अगर आप रिटर्न टाइमली जमा नहीं करवाते। इफ़ इन द ओपिनियन ऑफ कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स अ पर्सन वाज चार्जेबल टू टैक्स एंड वाज रिक्वायर्ड टू फर्निश द रिटर्न ऑफ टोटल इनकम, अगर कमिश्नर के ख्याल ओपिनियन के मुताबिक किसी भी पर्सन, चाहे वो सैलरीड पर्सन है, चाहे वो सोल ट्रेडर है, वो पार्टनरशिप का बिजनेस कर रहा है, वो कोई कंपनी रन कर रहा है, उसके लिए रिटर्न जमा करवाना लाजमी है, टैक्स देना लाजमी है, लेकिन वो रिटर्न जमा नहीं करवाता बट हैज़ नॉट फर्निश द रिटर्न ऑफ इनकम, ही कैन इशू सच पर्सन अ नोटिस, तो कमिश्नर उस पर्सन को नोटिस भिजवा सकता है इन राइटिंग लिखा हुआ टू सबमिट द रिटर्न विद इन स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम, नॉर्मली 30 डेज, आमतौर पर वो नोटिस भिजवा देता है और उसमें 30 दिन का आमतौर पर टाइम दे दिया जाता है कि 30 दिन के अंदर अंदर आप अपनी रिटर्न ऑफ इनकम को जमा करवाएं। सच अ नोटिस मे बी इशूड ओनली इन रिस्पेक्ट ऑफ लास्ट 5 टैक्स ईयर, ये भी बात याद रख लें कि टैक्स डिपार्टमेंट जो नोटिस भिजवाएगा रिटर्न ऑफ इनकम के हवाले से, टैक्स जमा करवाने के हवाले से, वो पिछले 5 साल के दौरान कभी भी अगर आपने टैक्स जमा नहीं करवाया, रिटर्न जमा नहीं करवाया, तो पिछले 5 सालों का टैक्स रिकवर करने के लिए नोटिस भिजवा सकता है। अगर 5 साल से पुराना कोई टैक्स है, 6 साल पहले का कोई टैक्स है, 7 साल पहले का, 10 साल पहले का कोई टैक्स है जो आपने जमा नहीं करवाया, रिटर्न जमा नहीं करवाई और वो आप कमिश्नर को पता चल रहा है, तो कमिश्नर की अथॉरिटी ही नहीं है कि वो पुराना 5 साल से पुराना टैक्स आपसे कलेक्ट कर सके या आपको नोटिस भिजवा सके। जहाँ तक आपने ये पॉइंट करना है 5 ईयर्स तक, ये आगे वाले पॉइंट आप बेशक छोड़ दें, इसको काट दें, क्योंकि ये जाहिर बात है ये टेक्स्ट बुक है, सब कुछ पेपर में नहीं लिखा जा सकता, ये रिटर्न 15 पॉइंट है, सारे के सारे पॉइंट्स नहीं लिखे जा सकते, तो हमने इसको इस तरह से करना है टेक्निकली ताकि सारे पॉइंट भी कवर हो जाएँ और क्वेश्चन भी कम्प्लीट हो जाए। पॉइंट नंबर 12 है जी रिवीजन ऑफ रिटर्न, सम केसेस अगर आपकी रिटर्न जो है वो रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक नहीं है तो कमिश्नर के पास ये इख्तियार है कि वो कह सकता है भाई रिवीजन करें, या पर्सन के पास भी इख्तियार है कि वो भी कह सकता है भाई मुझे ये गलती हो गई, ये मिस्टेक हो गई, या चीज़ें भूल गया मैं, ओमिट कर गई, मैंने रिटर्न ऑफ इनकम में नहीं लिख पाया, तो वो जब अप्लाई करेगा कह सकता है, उसकी रिटर्न को रिवाइज करने का इख्तियार भी कमिश्नर के पास है। लेकिन ये भी याद रखें कि रिवीजन वही 5 साल से पुराने टैक्स की नहीं हो सकती, 5 साल तक तो रिवीजन हो सकती है, उसके बाद रिवीजन नहीं हो सकती। इफ़ अ पर्सन आफ्टर फर्निशिंग अ रिटर्न, रिटर्न जमा करवाने के बाद डिस्कवर, उसको ये पता चलता है एनी ओमिशन के वो कोई चीज़ भूल गया है और रॉन्ग स्टेटमेंट या गलत बता दी है उसने देयर इन, उस फॉर्म के अंदर, देयर इन का मतलब है जो रिटर्न ऑफ इनकम का फॉर्म है उसको उसने गलत फिल कर दिया है, ही मे फर्निश अ रिवाइज रिटर्न, तो वो रिवाइज रिटर्न जारी कर सकता है। इट इज़ नेसेसरी दैट सच रिटर्न शुड बी सबमिटेड विद इन 5 ईयर ऑफ द डेट ऑन विच द ओरिजिनल रिटर्न वॉज फर्निश्ड, जब उसने ओरिजिनल रिटर्न फाइल की थी उसके 5 साल के अंदर अंदर ही वो अपनी रिटर्न को रिवाइज कर सकता है। अगर 5 साल से ज़्यादा का अरसा गुजर चुका है तो उसको रिटर्न रिवाइज करने का भी इख्तियार नहीं होगा, फिर वही टैक्स उसने उसको देना पड़ेगा, फिर वही उसके पर्टिकुलर सही समझे जाएंगे जो उसने ओरिजिनल रिटर्न में फाइल किए थे। तो ये भी पॉइंट आपने यहाँ से यहाँ तक ही करना है, ये हाउएवर और ये जो ए बी सी डी पॉइंट है इनको आप छोड़ दें। 13th नंबर पॉइंट है जी, अगर कोई रिटर्न जमा नहीं करवाता इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट उसको नोटिसेस भिजवाए जाते हैं, तो फिर टैक्स डिपार्टमेंट का पहला कदम ये होता है कि जी नोटिसेस के बाद उसको पेनल्टी, उस पर जुर्माना आयद कर दिया जाता है। Where any person fails to furnish the return of income within prescribed time, an extension is not granted by the Deputy Commissioner of Income Tax as mentioned in Section 119. अगर कोई अपने रिटर्न टाइमली जमा नहीं करवा सकता और वो अपने एक्सटेंशन के लिए भी एप्लीकेशन नहीं देता, उसे एक्सटेंशन भी नहीं मिलती, उसके बावजूद वो ड्यू डेट पर अपने रिटर्न जमा नहीं करवा सकता, द कमिश्नर शैल इम्पोज पेनल्टी अपॉन सच पर्सन, तो कमिश्नर उस पर्सन पर पेनल्टी जुर्माना आयद कर देता है। The amount of penalty will be equal to 1/10 of 1% of tax payable for each day of default. तो जितने दिन वो ताखीर करेगा 1/10, 1/10 of 1%, 1% का 10वां हिस्सा, मतलब 0.10%, 0.1%, 1/10 of 1%, 1% का 1/10, 1% का 10वां हिस्सा, उस पर हर दिन के हवाले से जुर्माना आयद कर दिया जाएगा।
मिसाल के तौर पर अगर उसका 1000 टैक्स बनता है, 1000 का 0.1%, मेरी बात फॉलो कर रहे हैं, 1000 का 0.1% का मतलब ये हुआ कि 10 रुपये जुर्माना उसको आयद कर दिया जाएगा। 1000 का 1/10 क्या होता है, 1000 का 1% क्या हुआ, 10 रुपी, तो उसका 1/10 उस पर जुर्माना आयद कर दिया जाएगा ऑफ 25,000 रुपीज़, या कम से कम जुर्माना 25,000 रुपये होगा, और मैक्सिमम जुर्माना कितना होगा, 50% ऑफ अमाउंट ऑफ टैक्स इन रिस्पेक्ट ऑफ दैट टैक्स ईयर। तो अगर वो रिटर्न जमा नहीं करवाता, ड्यू डेट तक जमा नहीं करवाता, तो उसके ऊपर जितना भी उसका टैक्स है उसका 1/10 लिया जाएगा, और 1/10 लेने के बाद जो रकम आएगी उसका 1% ले लिया जाएगा, या 1% लेके उसका 1/10 ले लें, फिर भी बात वही है, ठीक हो गया जी। हर दिन के जितने दिन लेट करेगा, 10 दिन, 20 दिन, 50 दिन, 100 दिन, 365 दिन, उतने दिन का हिसाब से जुर्माना हो जाएगा, और कम अज़ कम जुर्माना 25,000 रुपये तो ज़रूर होगा। मतलब अगर किसी का जुर्माना हर दिन के हिसाब से मिलाकर 20,000 बनता है, तो उसको जुर्माना 25,000 तो लाजमी देना पड़ेगा। और ज़्यादा से ज़्यादा जुर्माना कितना होगा जी, इस तरह बढ़ता जाएगा ना, जाहिर सी बात है, जुर्माना हर दिन के हिसाब से जब कोई इतनी तखीर कर देगा उसका जुर्माना बढ़ता जाएगा। अब लोगों का टैक्स लाखों में भी बनता है, करोड़ों में भी बनता है, उसका 1% लेंगे तो वो लाखों में भी बन सकता है। मैक्सिमम जुर्माना जो है ना, वो जो टैक्स उसने नहीं दिया ना, जो रिटर्न ऑफ इनकम जमा करवाने के बाद उसका टैक्स बनता है, उसका 50% जुर्माना उसको हो सकता है, उससे ज़्यादा जुर्माना नहीं हो सकता। जुर्माना जब 50% से ज़्यादा नहीं हो सकता, तो उसके बाद क्या होगा, उसके बाद फिर कानूनी कार्रवाई हो जाएगी, उसके खिलाफ़ अदालत में रेफरेंस पेश कर दिया जाएगा, उसको अदालत फिर बुलाएगी, फिर अदालत की कार्रवाई होगी, उसमें उसको इम्प्रिजमेंट, कैद भी हो सकती है, और जुर्माना बढ़ा के भी लगाया जा सकता है। तो रिटर्न फाइल ना करवाई जाए तो उसके लिए लीगल प्रोविज़न ये है जी, फिर उस पर पेनल्टी आयद हो जाती है। रिटर्न नॉट फाइल विद इन ड्यू डेट, अगर कोई रिटर्न ड्यू डेट में जमा नहीं करवाता, दो एन अमेंडेड अमेंडमेंट बाय फाइनेंस एक्ट 2018, ये 1918 लिखा हुआ है, ये 2018 है, इसको करेक्ट कर लें, ये बुक की मिस्टेक है। अमेंडमेंट जो फाइनेंस एक्ट 2018 में की गई, इफ अ पर्सन फेल्स टू फाइल अ रिटर्न ऑफ इनकम विद इन ड्यू डेट, हिज नेम विल नॉट बी इंक्लूडेड इन टैक्स पेयर्स लिस्ट फॉर द ईयर फॉर विच द रिटर्न वॉज नॉट फाइल्ड, तो उसका नाम ATL में से, एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट में से निकाल दिया जाता है। मोर ओवर सच पर्सन शैल नॉट बी अलाउड टू कैरी फॉरवर्ड एनी लॉस फॉर दैट ईयर, अगर उसको फिर लॉस हो जाए तो उसके लॉस को फिर कंसिडर नहीं किया जाता, उसके बारे में भी उसको कोई रायत नहीं दी जाती कि वो अपने लॉसेज को अगले साल जो है वो एडजस्ट कर ले। द रिस्ट्रिक्शन विल बी ओवर एंड अबव द पेनल्टी इम्पोज अंडर सेक्शन 182, ये रिस्ट्रिक्शन तब लग जाएगी जो इस पेनल्टी के बाद होगी। क्लियर हो गया जी, अगर कोई रिटर्न ड्यू डेट पे जमा नहीं करवाता तो उसका नाम जो है वो एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट में से निकाल दिया जाएगा, फिर उसको कोई रायत नहीं मिलेगी, कि अगर उसको लॉस भी हो जाता है तो उसके लॉस को अगले साल एडजस्ट करने की इजाज़त भी उसको नहीं होगी। लास्ट पॉइंट है जी, 15th पॉइंट, रिस्ट्रिक्शन ऑन परचेज ऑफ सर्टन एसेट, अगर किसी पर्सन का नाम टैक्स पेयर लिस्ट में से निकाल दिया जाए, अगर वो फाइलर ना रहे, अगर वो रिटर्न ऑफ इनकम जमा नहीं करवाता ड्यू डेट तक, उस पर जुर्माना आयद होता है, उसके बावजूद वो रिटर्न जमा नहीं करवाता, उसका नाम जब टैक्स पेयर लिस्ट में से निकाल दिया जाएगा तो उस पर कुछ पाबंदियाँ लग जाएंगी। क्या पाबंदियाँ लग जाएंगी, इफ़ अ पर्सन इज़ नॉट इन द टैक्स पेयर लिस्ट, अगर कोई रिटर्न ऑफ इनकम जमा नहीं करवाता तो उसको जुर्माना आयद होगा, जुर्माना आयद होने के बावजूद अगर वो जुर्माना भी अदा नहीं करता, उसका टैक्स पेयर लिस्ट में से नाम निकाल दिया जाएगा, देन ही विल नॉट बी अलाउड, तो उसको इजाज़त नहीं होगी क्या, टू परचेज अ न्यू लोकली मैन्युफैक्चर्ड मोटर व्हीकल, वो अपने नाम पर जो लोकल गाड़ी है, मोटर व्हीकल है फ्रॉम द मैन्युफैक्चरर, वो नहीं खरीद सकेगा, उसको गाड़ी ख़रीदने की इजाज़त नहीं होगी। तो अपने नाम पर गाड़ी वही ख़रीद सकेगा जिसका नाम टैक्स पेयर लिस्ट में शामिल होगा। दूसरी पाबंदी उस पर क्या लगेगी, गेट फर्स्ट रजिस्ट्रेशन ऑफ एन इम्पोर्टेड व्हीकल फ्रॉम एक्साइज टैक्सेशन डिपार्टमेंट, ना ही वो किसी दूसरे मुल्क से ख़रीदी हुई गाड़ी को अपने नाम करवा सकेगा एक्साइज एंड टैक्सेशन डिपार्टमेंट के आगे। जाहिर सी बात है, जब आप दूसरे मुल्क से इम्पोर्ट करते हैं गाड़ी, वो अपने नाम पर आप रजिस्टर्ड करवाते हैं, तो आपको एक्साइज एंड टैक्सेशन डिपार्टमेंट से क्लियरेंस लेनी होती है, उनसे अपने गाड़ी को अपने नाम रजिस्टर्ड करवाना होता है। लेकिन अगर कोई एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट में नहीं होगा तो वो दूसरे मुल्क से गाड़ी भी इम्पोर्ट नहीं कर सकेगा। थर्डली, परचेज एन इमूवेबल प्रॉपर्टी वर्थ मोर देन 50 लाख, ना ही वो कोई प्लॉट, कोई मकान, कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी खरीद सकता है अपने नाम पर जिसकी वैल्यू 50 लाख से ज़्यादा हो। 50 लाख से कम की तो
प्रॉपर्टी वो अपने नाम पर ख़रीद सकता है अगर वो टैक्स पेयर लिस्ट में नहीं है, लेकिन अगर 50 लाख से ज़्यादा अमाउंट की उसने गाड़ी ख़रीदनी है, सॉरी इमूवेबल प्रॉपर्टी ख़रीदनी है, कोई प्लॉट, कोई मकान, कोई फैक्ट्री बिल्डिंग, कोई ऑफिस ख़रीदना है, तो उसके लिए उसे अपने नाम एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट में शामिल करवाना पड़ेगा। एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट में शामिल करवाने का मतलब ये है कि उसे रिटर्न ऑफ इनकम जमा करवानी पड़ेगी। तो ये तीन पाबंदियाँ लग जाएंगी, ना वो लोकली मैन्युफैक्चर्ड गाड़ी अपने नाम पर करवा सकता है, ना कोई दूसरे मुल्क से ख़रीदी हुई गाड़ी पहली दफ़ा अपने नाम पर करवा सकता है। हाँ, किसी और ने ख़रीदी हो, वो पाकिस्तान में ऑलरेडी उस गाड़ी को इस्तेमाल कर रहा हो, उससे लेकर गाड़ी अपने नाम करवा सकता है, लेकिन फ़र्स्ट टाइम एज अ फर्स्ट ऑनर वो गाड़ी नहीं इम्पोर्ट कर सकता, ना ही वो इमूवेबल प्रॉपर्टी कोई ख़रीद सकता है जिसकी वैल्यू जो है 50 लाख या उससे ज़्यादा होगी। तो स्टूडेंट्स, ये 15 लीगल प्रोविजंस हैं जो हमने डिस्कस कर ली हैं, रिटर्न ऑफ इनकम की डेफिनेशन भी डिस्कस कर ली, उससे रिलेटेड जो 15 लीगल प्रोविजंस ही वो भी डिस्कस कर दी। एक दफ़ा मैं आपको इनको ज़रा रिवाइज़ करवा दूँ ताकि आप लोग को पता चल जाए कि ये वो क्वेश्चन है जो हमने पढ़ लिया है। तो क्वेश्चन हमने कौन सा कंप्लीट कर लिया है जी, ये देखें ज़रा, क्वेश्चन नंबर 13, डिस्कस द लीगल प्रोविजंस गवर्निंग द फाइलिंग ऑफ रिटर्न ऑफ टोटल इनकम अंडर इनकम टैक्स लॉ। इनकम टैक्स लॉ के मुताबिक वो कौन सी लीगल प्रोविजंस हैं जो रिटर्न ऑफ इनकम पर अप्लाई होती हैं। तो सबसे पहले लीगल प्रोविजन रिटर्न ऑफ इनकम की डेफिनेशन पढ़ने के बाद हमने पहली लीगल प्रोविजन पढ़ी जी, हु शुड फर्निश द रिटर्न, जिसके बारे में मैंने बताया कि ये दोबारा याद करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपने टैक्स पेयर की डेफिनेशन याद की है तो ये उसी की एक्सप्लेनेशन के पॉइंट सेम टू सेम कॉपी हुए गए यहाँ लिखे हुए हैं। सेकंड लीगल प्रोविजन है जी, रिक्वायरमेंट ऑफ रिटर्न जो फुलफिल करना ज़रूरी है रिटर्न ऑफ इनकम के साथ। फिर टैक्स पेयर्स प्रोफाइल अगर आपसे मांगी जाए, अगर वो आप जमा नहीं करवाते तो फिर भी ये लीगल प्रोविजन की खिलाफ वर्जी होगी। फोर्थ पॉइंट है जी, फर्निशिंग का वेल्थ स्टेटमेंट और वेल्थ रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट। फिफ्थ पॉइंट है जी, फॉरन स्टेटमेंट एंड एसेट स्टेटमेंट वो साथ अटैच करनी है अगर आप इस कैटेगरी में फॉल करते हैं। वेन टू फर्निश द रिटर्न, फिर हमने सिक्स पॉइंट पढ़ा जी, रिटर्न ऑफ इनकम कब जमा करवानी है। सेवन्थ पॉइंट हमने पढ़ा जी, रिटर्न जो सैलरीड पर्सन ने जमा करवानी है। एट्थ पॉइंट हमने पढ़ा जी, एक्सटेंशन ऑफ फर्निशिंग द रिटर्न, अगर कोई रिटर्न जमा नहीं करवा सकता ड्यू डेट तक तो वो उसको क्या एक्सटेंशन मिलेगी या नहीं मिलेगी और कितने दिन की एक्सटेंशन मिलेगी। उसके बाद नाइन्थ पॉइंट हमने पढ़ा जी, रिटर्न ऑफ इनकम के हवाले से कि कब रिटर्न ऑफ इनकम को इनवैलिड कर दिया जाता है। टेंथ पॉइंट हमने पढ़ा जी, मेथड ऑफ फर्निशिंग द रिटर्न, रिटर्न जमा करवाने का मेथड क्या होगा। इलेवंथ पॉइंट हमने पढ़ा जी, अगर कोई रिटर्न जमा नहीं करवाता टाइमली तो उसको नोटिस भेजने का इख्तियार किसके पास है, क्या नोटिस भेजा जा सकता है या नहीं भेजा जा सकता। तो हमने पढ़ा भाई कमिश्नर के पास ये इख्तियार है कि वो नोटिस भेज सकता है अगर कोई रिटर्न अपना टाइमली जमा नहीं करवाता। ट्वेल्थ लीगल प्रोविजन हमने पढ़ी जी, रिवीजन ऑफ रिटर्न, कि अगर कोई रिटर्न जमा करवाता है और उसमें कोई गलती उससे हो जाती है, कोई मिस्टेक हो जाती है, कोई चीज़ वो भूल जाता है, तो उसके पास टाइम है कि 5 साल के अंदर अंदर वो अपनी रिवीजन अपनी रिटर्न को रिवाइज़ कर सकता है ताकि कल को किसी भी लीगल कम्प्लिकेशन से, किसी भी कानूनी पेचीदगी से वो बच सके। थर्टीन्थ पॉइंट हमने पढ़ा जी, पेनल्टी फॉर फेलियर टू फर्निशिंग द रिटर्न ऑफ इनकम, अगर कोई रिटर्न ऑफ इनकम नोटिस के बावजूद, जुर्माना आयद होने के बावजूद रिटर्न ऑफ इनकम जमा नहीं करवाता जुर्माने के साथ, तो फिर उस पर रिटर्न ऑफ इनकम टाइमली जमा नहीं करवाता नोटिस के बावजूद तो फिर उस पर जुर्माना आयद कर दिया जाता है। फोर्टीन्थ पॉइंट हमने पढ़ा जी, अगर कोई ड्यू डेट में जुर्माना आयद होने के बावजूद भी रिटर्न जमा नहीं करवाता तो फिर उसका नाम टैक्स पेयर लिस्ट में से निकाल दिया जाता है। और फिफ्टीन्थ पॉइंट हमने पढ़ा जी, रिस्ट्रिक्शन ऑन परचेज ऑफ सर्टेन एसेट्स, कि अगर कोई किसी का नाम जो है वो एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट में से निकाल दिया जाता है, वो टैक्स फाइलर नहीं रहता, तो फिर उस पर तीन तरह की ये पाबंदियाँ आयद हो जाती हैं। तो इसके साथ ही हमारा ये क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हुआ। उम्मीद है आपने इस क्वेश्चन को अच्छी तरह सुन लिया होगा, इसे याद भी अच्छी तरह कर लीजिएगा, बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जैसा कि मैंने बताया कि अभी जो रीसेंट बिजनेस टैक्सेशन का पेपर हुआ है 2020th एनुअल में, उसमें ये क्वेश्चन पेपर में आया हुआ था। लेंथी ज़रूर है लेकिन अगर आप इसको असाइनमेंट बना लेंगे, बल्कि आप लोग ऐसा करें कि इसकी असाइनमेंट बनाएं, इसको लिखें, फिर इसको याद करें, आपका लिखा हुआ आपको अच्छी तरह याद रहेगा, क्योंकि कुछ चीज़ें मैंने कटवाई हैं। जब आप उसे खुद लिख लेंगे रजिस्टर पर, नोट्स बना लेंगे, इसके असाइनमेंट बना लेंगे, तो फिर वहाँ याद करेंगे तो आपको बड़ा इजीली याद हो जाएगा। तो इसको याद करने का यही आसान तरीका है टैक्स में, बल्कि कोशिश करें कि आप टैक्स के जितने भी टॉपिक तैयार करें उनको पहले अच्छी तरह से लिख लें, अपने पास एक नोट्स टाइप बना लें, फिर उसको वहां से प्रिपेयर करें। तो यहां पर ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। उम्मीद है आपने इस क्वेश्चन को अच्छी तरह सुन लिया होगा, याद भी कर लीजिएगा। अपना लेक्चर यहां पर वाइंड अप करता हूं इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला हम सब के हामी नासिर हों। जज़ाकुमुल्लाह खैरा।